हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ आप अपने होस्टिंग वेबसाइट पर कैसे रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। मैंने होस्टिंग वेबसाइट बना लिया है। इससे पहले भी मैं होस्टिंग बिजनेस के ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था एक में होस्टिंग बाई करना, WHMCS इंस्टॉल करना और थीम इंस्टॉल करना। तो जाकर के आप पिछला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को पेमेंट गेटवे लगा कर दिखलाने वाला हूँ रेजर पे का। आप कैसे पेमेंट गेटवे लगा सकते हो आप अपने होस्टिंग वेबसाइट पर WHMCS के अंदर। तो फिर रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगाने के लिए सबसे पहले आपको रेजर पे का अकाउंट क्रिएट करना होगा। फ्री में अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल पासवर्ड डाल करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री अकाउंट। यहाँ पे आप अगर आप फुल KYC करेंगे तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। आप फुल KYC भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पैन कार्ड डाल करके। तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं क्रिएट करके इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ, पेमेंट गेटवे मॉडल लगा के दिखलाने वाला हूँ अपने वेबसाइट पर। तो फिर सबसे पहले आपको इसका एक मॉडल आता है, तो उसे आपको डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको अपने होस्टिंग पे अपलोड करना है। यहाँ पे मैं अपने पब्लिक HTML क्लिक करता हूँ। पब्लिक HTML के अंदर मेरे बहुत सारे फाइल आ चुका है। मैंने जो WHM इंस्टॉल किया है बिलिंग फोल्डर के अंदर इंस्टॉल किया है। अगर आपने WHM अपने पब्लिक HTML मेन फाइल के अंदर, मेन डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी के अंदर अगर आपने इंस्टॉल किया, तो वहाँ पे आपको जाना है। मैंने बिलिंग फोल्डर के अंदर WHM इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखे, यहाँ पे आपको गेटवे के अंदर क्लिक करना है, गेटवे के अंदर जाना है। गेटवे के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक जिप फाइल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब उसे आपको अपलोड करना है डाउनलोड करके। और देखिए रेजर पे WHM जिप फाइल, इसको आपको अपलोड करना है। इसको आपको अपलोड करना होगा तभी आप पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं रेजर पे का। यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुका है, इसे हम बैक आएंगे और जो भी जिप फाइल है उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जिप फाइल यहाँ पे आ चुका है रेजर पे WHM, इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। चलो एक्सट्रैक्ट आपको भी करना है, सेम स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा पेमेंट गेटवे सेट करने में। चलिए जिप फाइल को हम डिलीट कर देंगे। इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिप फाइल का कोई भी काम नहीं है अब। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर आ चुका होगा एक रेजर पे के नाम से। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोल्डर एक आ चुका है रेजर पे के नाम से, तो आपको भी इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको इतना करने के बाद आपको अपने WHMCS के अंदर जाना है। हमारा WHMCS है, यहाँ पे आपको जाना है सेटअप, यहाँ पे आपको पेमेंट और यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एल पेमेंट गेटवे के ऊपर। यहाँ पे हमारा रेजर पे आ चुका है। इससे पहले मैंने पेटीएम का पेमेंट गेटवे लगा चुका हूँ। अगर आपको पेटीएम का पेमेंट गेटवे अगर लगाना नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कंप्लीट होस्टिंग वेबसाइट बनवाना है तो फ्रेंड्स अभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे रेजर पे हम सेलेक्ट चूज करेंगे किधर है, चलिए हम फाइंड करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रेजर पे हमारा यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्प्ले नेम। यहाँ पे रेजर पे से आप डिलीट करके यहाँ पे नाम लिख सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक, नेट बैंकिंग, ये सब ऑप्शन दे सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए यार मैं रेजर पे ही रहने दे रहा हूँ अभी। उसका आप यहाँ पे की ID, की सीक्रेट, ये सब आपको देना होगा। तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको अपने रेजर पे अकाउंट में जाना है, सेटिंग में जाना है, ओके। उसके बाद आपको API की पे क्लिक करना है। यहाँ पे API की क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर ले कि आपका जो मोड है यहाँ पे लाइव मोड होना चाहिए। टेस्ट मोड में होगा तो आपका जो पेमेंट गेटवे है वर्क नहीं करेगा, तो लाइव मोड में आप करें। उसका यहाँ पे आपने आपको की जनरेट करना है। मैंने पहले से की जनरेट किया था तो मैं उसे डीएक्टिवेट करूँगा और नया की यहाँ पे जनरेट करूँगा। तो देख सकते की ID मुझे मिल चुका है, तो की ID को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा Ctrl-V और सीक्रेट की को भी मैं Ctrl-V यहाँ पे करूँगा, ओके। उसका आपको इनेबल इसे कर देना है। उसका आपको यहाँ पे वेबहुक सीक्रेट, यहाँ पे भी आपको एक सीक्रेट कोड क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आप कुछ भी कस्टम क्रिएट कर सकते हो, मान लेते कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हो। तो चलिए मैं कोई भी एक वेबसाइट का ही नाम देता हूँ, माय होस्टिंग, ओके। चलिए इसे हम कॉपी करेंगे और अपनी रेजर पे अकाउंट के अंदर आएंगे। इसे चलिए ओके कर देते हैं। सबसे पहले इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा वेब बुक्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटअप योर लाइव वेब बुक पे क्लिक करेंगे। उसके आप कुछ इस तरह का आपका ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना डोमेन नेम देना है, सीक्रेट जो मैंने कॉपी किया था यहाँ से जो मैंने सीक्रेट डाला है वही सीक्रेट आपको यहाँ पे भी पेस्ट करना है और डोमेन नेम हम यहाँ पे डालेंगे। चलिए डोमेन हम क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। उसका जितना भी आपको ऑप्शन दिख रहा है सबको आपको इनेबल कर लेना। चलिए सबको हम इनेबल कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से आपको इनेबल करना है सारे ऑप्शन को। सारे ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है,
ओके हमारा ये सेव हो चुका है वेबू। उसके बाद आपको अपने WHMCS में जा करके इसे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, तो आपका पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल लग जाएगा। मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ, पेन सक्सेसफुल यहाँ पे देख सकते हो, दिस चेंज पेमेंट गेटवे सेटिंग हैज बीन सेव्ड। यहाँ से नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, वहाँ पे शो होगा जहाँ पे पेमेंट गेटवे आएगा। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी चीज़ ऑर्डर करके चेक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे, फिर चेकआउट पे क्लिक करने पर यहाँ पे सारा डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। डिटेल जैसे ही यूजर फिल करेगा उसका देख सकते हैं रेजर पे का भी ऑप्शन आ चुका है नीचे, पेटीएम एंड रेजर पे, इसका नाम अगर आप चेंज कर सकते हो तो रेजर पे से भी आप पेमेंट कर सकता है कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे होस्टिंग या तो डोमेन वगैरह परचेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, और पसंद है चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इस टॉपिक पे वीडियो लाती रहता हूँ, आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वीडियो के नीचे कॉमेंट आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।